नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR Academy में। तो दोस्तों, आज फिर से हम एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का लेक्चर लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद से एक और वीडियो होगी और आपका निमरा सुंडा से सारी एंटोमोलॉजी कवर हो जाएगी और काफ़ी सफिशियंट होगी आपके UP कैडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो ये एक लिस्ट है, इसको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। और ये लिस्ट आपको तैयार करनी है, खास करके जो इनका साइंटिफिक नेम है और जो ऑर्डर है ये पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से आपको याद होना चाहिए। स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट का मतलब होता है कि जब हम ग्रेन को स्टोर करते हैं, मीन्स उसकी हार्वेस्टिंग के बाद उसको हम कहीं घर पर रखते हैं, स्टोरेज हाउस पर रखते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट हैं जो वहाँ पर हार्म पहुँचा सकते हैं। क्योंकि इंसेक्ट ज़रूरी नहीं होता कि वो फील्ड पर ही हार्म पहुँचाए, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जब हम स्टोरेज कर देते हैं उसमें भी लग जाते हैं और फिर उन दानों को खा जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि ग्रेन की क्वालिटी हमारी कम हो जाती है। फिर जब हम उसको बेचते हैं तो फिर वो कम रेट पर बिकता है, या फिर जब हम उसका बाई प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी हमारा लो क्वालिटी वाला होता है। तो स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। तो उनमें से चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला हमारा राइस वीविल, जिसका नाम है सिटोफिलस ओराइजी, और ऑर्डर है फोरियोप्टेरा, और फैमिली हमारी कुरकोलिनियोडी। इसके बाद राइस वीविल जो है हमारा, ये राइस के स्टोरेज में लगेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। ग्रेन वीविल जो है हमारे सारे ग्रेन पे लगेगा। लार्जर राइस वीविल, ये भी राइस में लगेगा, तो इससे आप नाम से समझ सकते हैं कि कौन किस में लगेगा। इसके बाद है ग्रेन वीविल, वो है सिटोफिलस ग्रेनेरियम, ये भी कुरकोलिनियोडी फैमिली का है और कोलियोप्टेरा का। इसके बाद है लार्जर राइस वीविल सिटोफिलस जीएम मेज, तो ये हमारे किस में लगेगा, लार्जर राइस वीविल है लेकिन ये लगता है हमारा मेज में, कुरकोलिनियोडी का ये भी है और कोलियोप्टेरा। ऑर्डर है लेसर ग्रेन बोरर राइजोपर्था डोमिनिका, बोस्ट्रिचिडी फैमिली है और कोलियोप्टेरा ऑर्डर। इसके बाद रेड रस्ट फ्लोर बीटल, ट्राइबोलियम कैस्टेटम, टेनेब्रिनोइडी और कोलियोप्टेरा ऑर्डर। तो ये क्या है, ये सारे स्टोरेज ग्रेन पेस्ट है। इसके बाद है खपरा बीटल, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम और कोलियोप्टेरा ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सा टूथ बीटल और आइजोफिलस सूरीनेमेंसिस सिल्वेनिडी फैमिली और कोलियोप्टेरा ऑर्डर। इसके बाद टोबैको या सिगरेट बीटल जो है लेसुडोडर्मा सेरी कॉर्नी एनाबीडी फैमिली और हमारा कोलियोप्टेरा ऑर्डर। इसके बाद है ड्रग स्टोर बीटल स्टैगोपियम पेनिसिकम और एनाबीडी फैमिली कोलियोप्टेरा ऑर्डर। इसके बाद पल्स बीटल कोलाइचोब्रूचस चाइनेंसिस ब्रूचिडी फैमिली और कोलियोप्टेरा ऑर्डर। ग्राउंडनट बीटल साइरोडॉन सेरेटस ब्रूचिडी फैमिली और कोलियोप्टेरा ऑर्डर। इसके बाद है लार्ज हेड फ्लोर बीटल या फोर बीटल लेथेटिक्टस ओराइजी, ये ओराइजी है, टेनेब्रिनोइडी फैमिली और कोलियोप्टेरा ऑर्डर। इसके बाद है एंग्यूमोइस ग्रेन मोथ सिटोट्रॉगस एरेलेला गेल्चिडी फैमिली और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर। आलमंड मोथ इफेजिस्टिस कॉटुल्ला फिक्टिडी फैमिली और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर। इसके बाद है इंडियन मील मोथ प्लोडिया इंटरपंक्टेला और फिक्टिडी फैमिली, इसकी भी है और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर। इसके बाद राइस मोथ कोरसाइरा सिफेलोनिका पायरेलिडी फैमिली और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर। पोटैटो ट्यूबर मोथ थ्रोमिया ओपेरेकुल्ला और गेल्चिडी फैमिली और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर। तो ये हमारे जो एक टेबल थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सारे साइंटिफिक नेम और ऑर्डर तो पता ही होना चाहिए। चलिए इसके बाद है स्टोरेज इंसेक्ट कैरीड इन्फेस्टेशन बाई टू वेज, तो टू टाइप के होते हैं जो इन्फेस्टेशन करते हैं। कैसे, पहले होते हैं हमारे इंटरनल फीडर, तो इसमें क्या होता है कि लार्वा प्यूपी रिमेंस इनसाइड द ग्रेन एंड इंसेक्ट लेज एग इनसाइड और ऑन द सीड। तो इसमें क्या होते हैं, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, तो जो इसके लार्वा या प्यूपा होते हैं वो ग्रेन के अंदर क्या करते हैं, अंडे देते हैं और वहीं पर अपना जो है साइकिल चलाते हैं और सीड के अंदर ये सब कुछ करते हैं, जैसे हमारा राइस वीविल पल्स बीटल सिटोट्रागा और राइजो पर्था। इसके बाद होते हैं एक्सटर्नल फीडर, तो ये क्या होते हैं, पासेज आर लाइफ स्टेज आउटसाइड द ग्रेन एंड आल स्टेज आर विजिबल। तो ये क्या होता है कि ये ग्रेन के बाहर अपनी जो भी इनकी स्टेज होती है, लार्वल प्यूपल या निम्पल जो भी स्टेज होती है, वो ग्रेन के बाहर ये क्या करते हैं,
सब पूरी करते हैं, जैसे हो गया हमारा कपड़ा बीटर, कोरसाइरा रेड फ्लोर बीटर या ओराइजोफिलस, ये जितने भी ये हमारे एक्सटर्नल फीडर है। तो ये आपको एग्जांपल याद करने होंगे, पूछे जा सकते हैं कौन इंटरनल फीडर है और कौन एक्सटर्नल फीडर। इसके बाद आती है अदर कैटेगरी में, तो सबसे पहला है हमारा प्राइमरी पेस्ट। प्राइमरी पेस्ट क्या होता है, व्हिच इन्फेस्ट द होल ग्रेन्स एंड आर कैपेबल ऑफ डैमेजिंग ऑल काइंड ऑफ स्टोरेज कैन। तो जो पूरे ग्रेन को क्या करता है, डैमेज करता है, और किसी भी तरह के जो भी स्टोरेज ग्रेन होता है, सब तरह के स्टोरेज ग्रेन को ये डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है, जैसे सीटोफिलस हो गया, राइजोपर्थ हो गया और ब्रूचिट्स हो गए। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी पेस्ट क्या होते हैं, इन्फेस्ट विच इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाई अदर इंसेक्ट और दे आर कैपेबल ऑफ अटैक द ब्रोकन और मिल्ड ग्रेन ओनली। तो ये क्या होता है कि ये उनको अटैक करता है जिनमें पहले से कोई इंसेक्ट अटैक कर चुका हो जिस ग्रेन पे, या तो फिर वो ग्रेन क्या है कि एक प्रकार से मिलिंग की जा चुकी हो उसकी, जैसे जो भी हम बाई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो चुकी हो, उसके बाद ये क्या करते हैं कि उस पर अटैक करते हैं, जैसे ट्राइबोलियम हो गया हमारा और ओराइजोफिलस हो गया। इसके बाद आते हैं कॉमन स्टोरेज पेस्ट, तो सबसे पहले हमारे कोलियोप्टेरियन पेस्ट, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के कौन कौन से पेस्ट हैं, सबसे पहला हमारा राइस वीवल है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इसका नाम है सीटोफिलस ओराइजी और इसका जो होस्ट होता है वो होता है सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट राइस एंड बार्ले का, ये सीरियस स्टोरेज पेस्ट है। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रिपोर्टेड इन द राइस सो नेम्ड राइस वीवल। तो इसका सबसे पहले जो रिपोर्टिंग हुई थी मीन्स सबसे पहले ये राइस में देखा गया था, इसलिए इसका नाम राइस वीवल है। इट प्रेफर्स ह्यूमिड क्लाइमेट, और इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट, ये मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा क्या करता है कि इन्फेक्ट करता है किसको, स्टोरेज ग्रीन पेस्ट को। मीन्स अगर सीजन हमारा थोड़ा मॉइस्चर सीजन में ह्यूमिड क्लाइमेट है तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। डार्क ब्राउन कलर में होता है, मोस्ट आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंस ऑफ रोस्ट्रम। तो इसमें जो मेन इसका सिम्टम होता है वो होता है कि इसमें रोस्ट्रम पाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन का जो मार्क होता है। हेड इज प्रोट्रूडेड इनटू स्नाउट या रोस्ट्रम, तो हेड में रोस्ट्रम पाया जाता है। रेड इज ऑरेंज सर्कुलर मार्किंग ऑन द इलाइट्रा, इलाइट्रा में क्या होता है कि सर्कुलर ऑरेंज मार्किंग होती है, लाल और या ऑरेंज मार्किंग होती है। ग्रब इज मोस्ट इंजूरियस स्टेज ऑफ डैमेज, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो स्टेज होती है ग्रब स्टेज, वो डैमेजिंग स्टेज होती है। और वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस वीविल टू सर्वाइव एट लो मॉइस्चर, और लो मॉइस्चर में ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। इन एडल्ट टू पेयर ऑफ स्पॉट और प्रेजेंटेड ऑन इलाइट्रा, तो एडल्ट में क्या होते हैं कि दो पेयर या चार इलाइट्रा पाए जाते हैं। इसकी जो अदर स्पेसीज होती हैं वो होती हैं सीटोफिलस ग्रेनेरियम, कुड नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकती, विंग्स आर फ्यूज, क्योंकि विंग्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। अदर स्पेसीज आर स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स, और इसके अलावा जो भी स्पेसीज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स होती हैं, मीन्स वो उड़ने वाली होती हैं। जैसे सीटोफिलस जीएमएज, तो ये होती हैं लार्जेस्ट इन साइज, बड़ी होती हैं साइज में, कैन टॉलरेट टू हाई मॉइस्चर एंड डैमेज इन डन एट मिल्की स्टेज, तो ये मिल्की स्टेज में डैमेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा लेसर ग्रेन बोरर राइजोपर्थिका डोमिनिका, जो इसका होस्ट होता है वो प्रेफर द डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस, तो ये डार्क या अंधेरे वाला प्लेस और मॉइस्ट प्लेस जहाँ पर थोड़ा नमी होगी उसको प्रेफर करता है। और इसका जो होस्ट प्लांट है वो है हमारे व्हीट राई और ज्वार। इसका जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है बीटल इज मोर हार्मफुल देन ग्रब्स, तो बीटल हमारे ग्रब से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। प्रोनोटम इज राउंडेड एट द फ्रंट वेयर एज द ट्रांसफर रो ऑफ टीथ सेंट्रली एंड पोस्टीरियर फ्लैटेंड, तो प्रोनोटम जो है वो राउंडेड होता है, फ्रंट में होता है, और टीथ हमारे सेंट्रल और पोस्टीरियर इन पर पाए जाते हैं। लेज एक्स पियर शेप्ड एंड वाइट लेटर चेंज इनटू पिंकिश कलर, तो ये पियर शेप पियर के आकार के जो होते हैं अंडे देते हैं जो कि वाइट होते हैं और बाद में पिंकिश कलर में चेंज हो जाते हैं। प्यूपेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्रेन, तो प्यूपेशन जो है ग्रेन के अंदर होता है। प्रोफ्यूज पाउडरी सब्सटेंस इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इट्स डैमेज, तो इसका जो फीचर्स है कि इसका इन्फेक्शन हो चुका है तो वो ये कि आपको ग्रेन में क्या देखने को मिलेगा, पाउडरी सब्सटेंस देखने को मिलेगा, पाउडर जैसा देखने को मिलेगा, जिस ग्रेन को खाते हैं उसको ये पाउडर की तरह कर देते हैं, तो ये इसके इन्फेक्शन का मेन सिम्टम है। एडल्ट आर गुड फ्लायर्स, और एडल्ट जो होते हैं वो गुड फ्लायर्स होते हैं। नेक्स्ट है खपरा बीटल, तो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है और एक्सटर्नल फीडर ये, मीन्स बाहर ही ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ग्रेन के, और सेकेंडरी पेस्ट होता है ये जो डैमेज करता है ये एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर डैमेज करता है। लेस ह्यूमिडिटी डैमेज इज डन बाय ग्रब, और ग्रब जो होता है वो लेस ह्यूमिडिटी में भी डैमेज करता है। इसका जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो है इट्स एग स्टेज इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, तो जो इसकी अंडे वाली स्टेज होती है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है।
कैन बिलीव एट लेस मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, और ये लेस मॉइस्चर अवेलेबिलिटी पर भी जिंदा रह सकता है। एडल्ट आर हार्मलेस, ओनली लार्वा कॉज डैमेज ऑन होल ग्रेन, और एडल्ट जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, मीन्स नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जो लार्वी होते हैं वो इसमें ग्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। एडल्ट आर ब्लैकिश इन कलर, यूजुअली 2.5 mm इन साइज, तो एडल्ट कैसे होते हैं, ब्लैकिश कलर के होते हैं और लगभग 2.5 mm साइज में होते हैं, विद डिस्टिंक्ट मार्किंग ऑन विंग्स, और विंग्स पर कुछ मार्किंग होती है। लार्वी हैविंग लॉन्ग हेयर ऑन द हिंड एंड ऑफ बॉडी, तो जो हिंड एंड होता है मीन्स पिछला एंड होता है, वहाँ पर लॉन्ग हेयर्स पाए जाते हैं किसमें, लार्वी में, विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, तो ये बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये हेयर्स जो होते हैं। इट कैन बी लिव विदाउट फूड अप टू 4 to 5 years, इवन 7 years, तो ये खाने के बिना 4 to 5 या फिर 7 सालों तक जिंदा रह सकता है। एट सीरियस इन्फेस्टेशन इन व्हीट ग्रेन ईटन कम्प्लीटली एंड वाइट पोर्सन लेफ्ट लुक लाइक राइस, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये व्हीट ग्रेन को खाता है तो पूरी तरह से खा जाते हैं, और जो वाइट पोर्सन लगता है वो आपको चावल की तरह लगेगा देखने में, क्योंकि ये जो ऊपर का जो हमारा ब्राउनिश होता है पार्ट ग्रेन का वो पूरी तरह से खा जाते हैं और अंदर का वाइट पार्ट बचता है। नेक्स्ट है हमारा रेड फ्लोर बीटर, तो ये है ट्राइबोलियम का स्टेटम, इट इज जर्म या एक्सटर्नल फीडर, ये भी हमारा एक्सटर्नल फीडर होता है, डैमेज जो करता है ये। एडल्ट एंड लार्वी बोथ आर डैमेजिंग स्टेज, एडल्ट और लार्वी दोनों डैमेज करते हैं, डैमेज द प्रोसेस्ड फूड फ्लोर, सूजी मैदा, और ये किसको, जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है जैसे आटा हो गया, सूजी हो गया, मैदा, इन सबको क्या करता है, डैमेज करता है। इन केस ऑफ ह्यूज डैमेज द फ्लोर टर्न ग्रेस येलोइश कलर एंड गिव प्यूकुलर पंजेंट स्मेल, तो जब ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाता है तो फ्लोर हमारा जो आटा होता है वो ग्रे या येलो कलर का होता है, मीन्स जो वाइट से वो कलर अपना चेंज कर देगा, ख़राब हो जाएगा और स्मेल भी करने लगता है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो होता है इसका, फीमेल ले एग्स सिंगली इन फ्लोर अप टू 400 eggs, तो जो फीमेल होती है वो आटे पे ही क्या करती है कि अंडे देती है, और लगभग 400 अंडे देती है एक फीमेल। फीमेल ले एग्स सिंगली इन फ्लोर 400 eggs, तो एक फीमेल 400 अंडे देती है। एग्स आर वाइट सिलेंड्रिकल एंड हैच अबाउट 4 to 10 days, और इनकी जो हैचिंग पीरियड होता है वो 4 to 10 दिन का होता है, और अंडा वाइट और सिलेंड्रिकल होता है। इन एडल्ट हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन इज वेरी डिस्टिंक्ट, और एडल्ट में जो बॉडी पोर्शन होते हैं हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन वो निश्चित होते हैं, मीन्स अच्छे से दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं। कैना बालिन इज आल्सो वेरी कॉमन इन दिस इंसेक्ट, तो कैना बालिन भी इनमें कॉमन होता है। नेक्स्ट हमारा सॉ टूथ बीटल, जो है एजाइफिलस सूरीनेमेंसिस, और ये भी हमारा सेकेंडरी पेस्ट है। इसका जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लार्वी आर द स्ट्रॉ कलर्ड एंड डार्क पैचेज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, तो लार्वी जो कैसे होते हैं, स्ट्रॉ कलर के होते हैं, जो हमारा भूसा होता है लगभग उस तरह कलर का होता है, और डार्क पैचेस होते हैं दोनों तरफ बॉडी के दोनों साइड में। इन एडल्ट ईस्ट साइड ऑफ थॉरेक्स फाउंड 6 teeth लाइक प्रोजेक्शन, तो एडल्ट में क्या होते हैं कि दोनों तरफ थॉरेक्स जो होता है उनमें 6 दांत की तरह का प्रोजेक्शन पाया जाता है। और जनरली लार्वी फीड इंडोस्पर्म ऑफ द ग्रेन, और लार्वी जो होते हैं जनरली वो जो इंडोस्पर्म होता है ग्रेन का उसको खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पल्स बीटल, कोलाइचोब्रूचस चाइनेंसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पल्स के लिए। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना सो नाम नेम्ड चाइनेंसिस, सबसे पहले चाइना में डिस्कवर किया गया था इसलिए इसका जो स्पीसीज है वो चाइनेंसिस के नाम पर दिया गया है। मोस्टली डैमेज द पल्सेज इन स्टोरेज बट इट्स आल्सो पेस्ट ऑफ पल्स फील्ड, तो ये जो है मोस्टली क्या करता है कि स्टोरेज में डैमेज करता है, लेकिन ये ऐसा पेस्ट है कि जो राइस की फील्ड में भी डैमेज कर सकता है, जब क्रॉप स्टैंडिंग कंडीशन में होती है उस टाइम पे भी ये डैमेज कर सकता है। इसका जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है, ओनली एग एंड एडल्ट आर विजिबल, तो इसमें एग और एडल्ट स्टेज ही विजिबल होती है। एंटनी आर सीरेट इन फीमेल बट पेटिनेट इन मेल, तो जो एंटनी के टाइप होते हैं तो जो फीमेल होती हैं उनमें सीरेट टाइप की होती है, और जो मेल होती हैं उनमें पेक्टिनेट टाइप की एंटनी पाई जाती है। इलाइट्रा कवर्स द फुल बॉडी, इलाइट्रा जो है पूरी बॉडी को कवर करता है। इन हिंड फीमर स्पाइन टीथ्स आर प्रेजेंट, तो स्पाइन टीथ पाए जाते हैं। एडल्ट आर स्मॉल चॉकलेट डार्क ब्राउन कलर, और एडल्ट जो होते हैं वो छोटे होते हैं और चॉकलेटी कलर के होते हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंटोमोलॉजी का 12वां लेक्चर था, और इसके बाद एक लेक्चर और बचा, उसके बाद इंटोमोलॉजी खत्म हो जाएगी और उसके बाद से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।